हम तो सोच रहे कि हम जितना साल जी सके और हम जितना ग्राउंड, एक ये है कि हम सर ग्राउंड के बगैर जी नहीं सकते। मैं उनको सर शादी होने के बाद सर ही बोलती, क्योंकि वो स्कूल में जाते थे ना, पार्ट टाइम स्कूल में करते थे, तो मैं उनको सर ही बोलती थी। झगड़ा में झगड़ा नहीं होता, कम्युनिकेशन का भी गैप हो गया तो वो हम एक दूसरे को गुस्सा तो करते हैं, लेकिन वो प्यार वाला गुस्सा होता है। किसी ने खूब ही कहा है ये सब कि एज एक नंबर ही तो है और कुछ भी नहीं। आज की स्टोरी एक ऐसे कपल की है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को चुनौती के तौर पर लिया और उनका बखूबी मुकाबला भी कर रहे हैं। इस स्टोरी के माध्यम से हम इस दंपत्ति के जीवन के उतार चढ़ाव, उनका एक दूसरे को सहयोग, खेलों के प्रति उनकी रुचि और कुछ कर जाने का उनका जज्बा देखेंगे। तो आइए मिलते हैं मिस्टर एंड मिसेस कामले से। मेरा नाम दत्तात्रेय कामले, हाँ, फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। मैं स्पोर्ट्स में बचपन, मेरा एज 3 से मैंने स्टार्ट किया था, जो पुणे में महाराष्ट्र मंडल संस्था है वहाँ से शुरुआत की थी। बचपन से मेरे को आदत लग गई थी कि खेलना जरूरी है, और धीरे धीरे जैसा मेरा बचपन गया तो आगे जाके मैंने स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल तक खेला है, स्टेट लेवल पार्टिसिपेट किया है, और उसकी आदत लगने के बाद जैसे जैसे मैं बड़ा होते चला गया तो बाद में स्टेट लेवल के बाद हमारा स्पोर्ट्स तो बाद में 20 के बाद बंद हो गया। कॉलेज लेवल पे, कॉलेज में खेलते थे लेकिन कॉलेज लेवल पे बंद होने के बाद अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद का स्पोर्ट्स क्लब चालू करके जो मैं कर नहीं सका वो किसी और के बच्चे के साथ, या आगे जाके मैं मेरे रिलेटिव मेरे बच्चों को नेशनल या स्टेट लेवल तक खिला सकता हूँ, इंटरनेशनल लेवल तक, ये सोचा। और ये मैंने अकेडमी 2008 में शुरू किया सांगवी पूना में, पिंपरी चिंचवड़ में, और अभी यहाँ में यहाँ से नेशनल तक हमारे अकेडमी के बच्चे खेलते हैं। हॉकी में गए नेशनल तक 2 लड़की लोग गए हैं, फुटबॉल में गए हैं, स्केटिंग में गए हैं, और एथलेटिक्स में स्टेट एंड नेशनल लेवल तक बच्चे खेले हैं। मेरा नाम आशा दत्तात्रेय कामरे, मैं इधर सांगवी में ही पढ़ी हूँ, 12वीं तक एजुकेशन किया मैंने स्टार्ट में, और मेरी शादी होने के बाद मैं स्पोर्ट्स में थोड़ा मेरे हस्बैंड के साथ ही मैंने आगे का एजुकेशन करके मुझे उनके साथ रह के उसमें इंटरेस्ट आ गया स्पोर्ट्स में। शादी के बाद जब मैंने उनको देखा कि उनको दूसरे काम से ज़्यादा स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने उनके साथ स्पोर्ट्स का कुछ करना है या उनको साथ देनी है, तो मैंने आगे का एजुकेशन करके उनको साथ दिया आगे। मैं 12 साल का था, डैडी गुजरने के बाद जो मेहनत करने की आदत लगी है तब से आज तक मैंने 18 आवर्स से 16 आवर तक जॉब काम करता हूँ। 5 बजे उठने के बाद 6 बजे मेरा सुबह का एक्टिविटी रहता है, 8 to 9 बजे तक, उसके बाद मैं घर पे जाके ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद 11:30 या 11 बजे मेरा स्कूल रहता है, और स्कूल में 6 बजे तक 5:30 बजे तक स्कूल टाइमिंग है, उसके बाद मैं वापस मैं अकेडमी में आता हूँ, वापस 9:30 बजे तक रात को अकेडमी में रहता हूँ, और उसके बाद 10 बजे तक घर पे जाता हूँ। उसके साथ मेरी बीवी भी मॉर्निंग में, मेरी वाइफ मॉर्निंग में 6 बजे वो भी एक्टिविटी आती है। हमने नया अभी योगा स्टार्ट किया है, तो वो बड़े लोगों के लिए किया है, लेडीज के लिए, तो वो एक्टिविटी लेती है उसके साथ, अलग अलग फिटनेस एक्टिविटी के साथ वो गेम खेलते हैं, ट्रेकिंग को जाते हैं, तो ऐसा शेड्यूल उसका भी चल रहा है। तो मैं तो पूरा 18 या 16 ईयर काम करता हूँ और उसमें मुझे मजा आती है सर। अभी स्पोर्ट्स में इधर कैसे अबाव में बच्चे लेते आते इधर, तो हमने माइनर गेम जैसे जनरल एक्टिविटी फिजिकल फिटनेस के हिसाब से 4 to 16 or 18 के बच्चे इधर खेलते, बट ज़्यादा बेस्ट तो उनका 4 to 6, 4 to 10 में रहता है, तो उस हिसाब से एक्टिविटी लेते इधर। दत्ता सर एथलेटिक्स लेते इधर, एथलेटिक्स जनरल एक्टिविटी बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्केटिंग, मल्लखम, जिमनास्टिक, हॉकी, ये सब एक्टिविटी इधर चलती है। उसके उसके लिए कोचिंग के लिए हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग कोचेस है, जिसमें वो मास्टर डिग्री है उनकी,
बट सब मिलके सब एक्टिविटी इधर दत्ता सर सजेशन मतलब कुछ गाइडनेस हमें देते तो हम सब उनके अंडर करते इधर एक्टिविटी। श्री लक्ष्मण भाव कला एंड क्रीड़ा एकेडमी में एट प्रेजेंट 200 बच्चे इनरोल्ड हैं। 4 साल के बच्चे से लेकर 18 साल के टीनेजर तक ये सभी डिफरेंट गेम्स में ट्रेनिंग कर रहे हैं। मिस्टर एंड मिसेस कामले का कहना है कि उनके यहाँ 600 बच्चे तक ट्रेनिंग करने आते थे, पैंडेमिक की वजह से ज्यादातर छोटे बच्चे नहीं आ पा रहे हैं। पर इस पैंडेमिक के दौरान बहुत से लोगों ने ये भी महसूस किया कि अच्छी हेल्थ के लिए गेम्स और रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मिस्टर एंड मिसेस कामले का कहना है कि गेम्स को लेकर अवेयरनेस बढ़ रही है, पर इस दिशा में अभी बहुत काम बाकी है और इसके लिए उनकी पूरी फैमिली भरसक प्रयास कर रही है। स्टार्टिंग में हमने कुछ पेपर में थोड़ा पैम्पलेट वगैरह डाला था, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं हो गया, हमारा खर्चा ज्यादा हो गया उससे। तो हमको खर्चा करने से बजे हम ज्यादा से ज्यादा माउथ पब्लिसिटी और इवेंट ऑर्गेनाइज करने में ज्यादा देते हैं। जैसे कि हमारे इधर हैप्पी चेस्ट बोल के एक प्रोग्राम चलता है न्यूज पेपर वालों का या कोई भी ऑर्गेनाइज करता है, तो उसमें क्या करते हैं कि हर एक्टिविटी का डेमो दिखाते हैं या कुछ लोग हीरो हीरोइन को लेके आके उनका शो दिखाते हैं, तो हमें उसमें चांस मिलता है कि हमारी एक्टिविटी उधर दिखाए और उसमें लोगों के पास हम ज्यादा से ज्यादा पहुँचते हैं और इससे हमारा एडमिशन होता है। लेकिन हम वो एडमिशन मेरा खुद का ऐसा एक्सपीरियंस है कि हम ये करने से हमारा माउथ पब्लिसिटी से और हर एक लड़के या लड़की को या स्पोर्ट्स मैन को खुद को कुछ को करने का है तो वो खुद यहाँ तक आएगा तो वही बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ऐसे पकड़ के लाके कोई स्पोर्ट्समैन नहीं बनेगा, स्पोर्ट्समैन को खुद ग्राउंड ढूंढ के आना पड़ेगा तभी स्पोर्ट्समैन बनेगा। स्पोर्ट्स हमने चालू किया था 2008 में और मैं बचपन से स्पोर्ट्स मेरी ख्वाहिश थी, इसलिए मैंने हमने स्पोर्ट्स करने के बाद इधर जब सांगवी में हमने देखा कि इधर स्पोर्ट्स नहीं था और मैं एक 2003 से मैं एक स्कूल में जॉब करता था और जॉब करते करते मैं जहाँ पे रहता था सांगवी में वहाँ पे स्पोर्ट्स का कुछ भी ग्राउंड एक्टिविटीज नहीं था, बेस नहीं था, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। एक तो स्पोर्ट्स मेरे ख्वाहिश थी इसलिए कुछ तो बचपन से बच्चों लोग को ट्रेन करना ये मेरी ख्वाहिश थी, तो उसके बाद मैंने जब चालू किया पहले हम कुछ भी पैसे वगैरह कुछ किसी के पास से नहीं लेते थे, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते थे। पहले मैं एथलेटिक्स ही लेता था, मेरी वाइफ मेरे को हेल्प करती थी फॉर्म भरना या डिटेल्स पेरेंट्स को बताना। उसके बाद धीरे धीरे हमारा स्पोर्ट्स क्लब जैसे जैसे आगे बढ़ गया तो एथलेटिक्स के साथ मैंने फिर फुटबॉल चालू किया, बास्केटबॉल चालू किया, स्केटिंग चालू किया, फिर मलखम एक्टिविटी चालू की, अभी जिम्नास्टिक एक्टिविटी चालू की, ऐसे योगा इधर योगा चलता है, फिजिकल फिटनेस चलता है बड़े लोगों के लिए। तो ऐसे करके आगे चलने के बाद मेरी वाइफ तो हर टाइम मेरे को साथ देती थी, फिर वो 12th तक पढ़ने के बाद मैंने उसको फोर्स किया कि तू मेरी ख्वाहिश आगे कोर्स करके कर सकती है, तो उसको मैंने थोड़ा फोर्स किया, उसने फिर 12th पास करने के बाद ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैं बीपेड किया बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद मास्टर डिग्री के लिए हम ट्राई कर रहे हैं अभी और गए 11 to 13 years वो मेरे को सपोर्ट करती है। मैं जब भी स्कूल के कॉम्पिटिशन को जाता हूँ तो वो पूरा क्लब अकेडमी जो है हमारे अकेडमी में जो कुछ कोचेस को गाइडेंस करना है उनको हेल्प करना है पेरेंट्स को हेल्प करना है वो सब मेरी वाइफ देखती है, तो इस तरह ये स्पोर्ट्स क्लब में मेरी वाइफ का पूरा मदद होती है मेरे को और उनके तरफ से ज़्यादा से एक लेडीज होकर वो बहुत सपोर्टेबल होता है और मेरे को उसका सपोर्ट होता है। प्यार वाला ही झगड़ा रहता है हमारे में, बाद में उसका रिजल्ट भी दोनों को समझ मतलब प्लस प्लस में ही रहता है, कोई ऐसे निगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, समझदारी से ही होता है झगड़े का, मतलब झगड़े से अच्छा हुआ है आज तक तो हुआ ही है झगड़ा, तो टॉक मतलब अंडरस्टैंडिंग होने के लिए कुछ कन्वर्सेशन तो होना ही चाहिए। झगड़ा में झगड़ा नहीं होता, कम्युनिकेशन का भी गैप हो गया तो वो हम एक दूसरे को गुस्सा तो करते हैं लेकिन वो प्यार वाला गुस्सा होता है, इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे लगता है कि जो भी हम चीज करें वो 100% देके करें, कभी एक्टिविटी 5 बजे का है तो कभी लेट हो गया तो मैं उसके ऊपर से गुस्सा होता हूँ, क्यों होता हूँ उसके पीछे रीजन रहता है कि पेरेंट्स नाराज ना हो जाए, बच्चे लोग आके हमारा वेट ना करें, हम टाइम पे पहुंचे तो
अच्छा उसका रिजल्ट बच्चों लोग और पेरेंट्स तक पहुँचे, यही हमारे में थोड़ा पर होता है, बाकी कुछ नहीं है। आगे हम 18 ईयर से हम दोनों साथ है और 18 ईयर से प्यार से सब कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ गुस्से वाली बात नहीं है और झगड़े वाली बात नहीं है। सर तो मैं उनको पहले से ही बोलती, जैसे शादी मतलब एक दो दिन के बाद मुझे पता चला ये स्कूल में जाते हैं तो मैं मतलब अभी इनकी स्टोरी बोलूंगी तो मुझे इनका कैसा था पहले थोड़ा, वो मतलब ऐटो चलाते थे, ऐटो और स्कूल स्पोर्ट्स का उनको इंटरेस्ट था, ऐटो तो हमारी फैमिली का बेस चलाना है इसलिए ऐटो चलाते थे। बट मैं उनको सर शादी होने के बाद सर ही बोलती, क्योंकि वो स्कूल में जाते थे ना, पार्ट टाइम स्कूल में करते थे तो मैं उनको सर ही बोलती थी, मैं रिस्पेक्टफुली उनसे कुछ सीखा है इसलिए मैं सर ही बोलती हूँ उनको। जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया तो पहले सबसे पहला रजिस्ट्रेशन मेरे बच्चे का था, वो एज उसका 3 ईयर था, और उसके बाद जो दूसरा बच्चा था वो मेरे मीन्स साली का था, दो बच्चे थे उनके थे और एक रिलेटिव था, ऐसे 4 बच्चे से हमने स्टार्ट किया था। पहला बच्चा तो मेरा ही था, वो 3 साल का था, उससे स्टार्ट किया। आज तक हमारे दोनों बच्चे, एक लड़की है एक लड़का है, दोनों भी हमारे साथ 8-9 बजे तक ग्राउंड पे रहते हैं, वो एजुकेशन करते करते एक्टिविटी सभी एक्टिविटी करते हैं। वो स्केटिंग में स्टेट लेवल तक गया है, लड़की अभी बास्केटबॉल खेल रहे वो भी स्केटिंग करती है, एथलेटिक्स अच्छा करते हैं। हमारे दोनों बच्चे हमसे बहुत खुश है, ओके पढ़ाई से ज़्यादा वो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। अभी वो मलखम भी करती है लड़की, और लड़का बास्केटबॉल फुटबॉल एथलेटिक्स, आगे नहीं गया तो भी चलेगा। हमारा एक है कि फिजिकल फिटनेस स्ट्रांग हो जाए और जितना हो सके हम 100% देकर ट्राई कर सके। हम तो सोच रहे हैं कि हम जितना साल जी सके और हम जितना ग्राउंड, एक ये है कि हम सर ग्राउंड के बगैर जी नहीं सकते, क्योंकि संडे भी रह गया तो मैं घर पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि सुबह आके एक्टिविटी लेके बच्चों लोग को ट्रेकिंग को लेके जाके, ऐसा हमारा डेली का प्लान रहता है। जब तक हम पैर खड़े हैं तब तक हम तक ग्राउंड छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन हम ये सोच रहे आगे क्या प्लान में सोच रहे कि हम ये एकेडमी और जगह पे स्टार्ट किए करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमें पहुँचना है। इसके लिए हमको ब्रांचेस या सेंटर हमारे नए तैयार करने हैं, इसके लिए हम बहुत तो ट्राई करें, लेकिन हमको जगह या एक्स का बहुत प्रॉब्लम है और वो नहीं मिल सकता, इसलिए जो एकेडमी चालू है इसके अलावा 2 या 3 एकेडमी में हम रन कर रहे हैं और बैचेस बढ़ा रहे हैं, उधर कोचेस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम खुद जब तक उधर जाते नहीं पहुँचते नहीं तब तक हमें ये सब कर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमें अलग अलग प्लान करना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, तो हमारा ऐसा प्लान है। हम लोगों को यही मैसेज दे सकते हैं हमारे एकेडमी की तरफ से, महाराष्ट्र के तरफ से और भारत के तरफ से, कि हमारा हम मियाँ बीबी जैसे काम करते हैं तो हर एक ने ऐसा ही करना चाहिए। हम तो दूसरे के बच्चे लोग को ट्रेन करते हैं और उसके साथ हमारे बच्चे भी ट्रेन होते हैं, तो हम हर पेरेंट्स को यही सलाह देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग को ग्राउंड पे छोड़े, पढ़ाई तो करना है, पढ़ाई करके तो आगे जाना है, उसके साथ साथ बच्चे लोग फिजिकली मेंटली फिट चाहिए, उसके बाद ही बच्चे लोग आगे तक बहुत अच्छा ट्रेनिंग ले सकते हैं, फिजिकली फिट हो सकते हैं और खुद का नाम रोशन करने के बाद अपना पेरेंट्स का भी नाम रोशन करते हैं और उसके गुरु जो महान कोचेस है उनका भी या टीचर का ही नाम उज्जवल करते हैं,